हम लोग आगे रहिए, ठीक है, हिम्मत रखिएगा सब। आप देखिए, ये हमारी शीर्ष नेतृत्व का अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में ही चल रहा है, और डायरेक्टली माननीय सुनील बंसल जी और माननीय रत्नाकर जी प्रांत लेवल पे, प्रदेश लेवल पे इसको देख रहे हैं। हम लोग मंडल बाय मंडल, विधायक और सांसद अपने मंडल के जो यूनिट होती है बीजेपी की, उसके साथ मिलके मास्क वितरण और सैनिटाइज़र साबुन वितरण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जी। और पार्टी की तरफ से ये हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है कि 5-6 दिन तो हम लोग, तो हम लोगों ने उत्तरी विधानसभा में तय किया है कि कार्यक्रम अभी पूरा महीना चलेगा जी। और हम लोगों ने अपनी तरफ से, जब एकदम आपदा आ गई थी नई लॉकडाउन में की, तो हम लोगों ने जो BPL फैमिलीज थी उनको अनाज वितरण का कार्यक्रम भी किया था। और अब जब काफ़ी कुछ हम लोगों ने राशन विभाग को लाइनअप कर दिया है, PDS विभाग को, तो अब हम लोग की कोशिश है कि ये मास्क का कार्यक्रम ये अगला चलाएं। और ये आप देखेंगे कि पूरे महीने पे पांचों मंडल जो उत्तरी विधानसभा के हैं, इसमें विभिन्न मोहल्लों में ये कार्यक्रम, जैसा आज आपने देखा, ऐसा चलता रहेगा। धन्यवाद। आज हमने जो कोरोना जैसी महामारी है, इस समय बच्चे, जो गरीब बच्चे जिनके पास मास्क और साबुन हाथ धोने के लिए है, उनको हम लोग ने निःशुल्क यहाँ पर मास्क और साबुन का वितरण किया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर। आज भरद्वाज मंडल अनिल भट्ट के नेतृत्व में हमारे बच्चों को यहाँ पर ज्ञान परिषद में बच्चों को मास्क और साबुन बांटा गया। आज भरद्वाज मंडल के तत्वाधान में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें गरीब बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को साबुन और मास्क का वितरण किया गया।